हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी को देखने वाले हैं, जो एक बहुत सिंपल टॉपिक है आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसका वेटेज आपका 3 से 4 क्वेश्चन का होता है और मेथड भी आपका एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जनरल मेथड से करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चे कि जो भी आपको कोड दिए जाते हैं उसको आप क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। तो वो आपका नॉर्मल तरीका है। बट द प्रॉब्लम इज विद दिस अप्रोच इज कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में क्या है ना, इस बार जैसे आरआरबी पीओ में ही अगर बात करोगे तो सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है और बाकी जितने भी एग्जाम है उसमें तो ऑलरेडी है। तो टाइम कितना आपको लगेगा उसको सॉल्व करने में, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैटर करता है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसी से तो ओवरऑल सिलेक्शन होना है। तो आप इसमें मिनिमम टाइम कैसे लगा पाए जिससे कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप विद इन 2 मिनट्स कर पाए, वही हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मानना रहता है कि सर हम तो वही कन्वर्ट करके कर लेंगे, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आरआरबी पीओ 2023 में क्वेश्चन आया है। ये है 2023 का पेपर एंड यू विल सी दैट इफ यू यूज दैट यूजुअल मेथड कि आप क्या करेंगे जितने भी जैसे ये सिंबल्स हैं कि एट द रेट का जो भी मतलब होगा लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा आप उसको अगर चेंज करके करोगे तो आप देखो ये स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना है, ये भी स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 4 स्टेटमेंट में अगर सब में करने लग गए तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। और मान लीजिए कि वो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरा आप एक्यूरेसी के साथ बहुत जल्दी के साथ करोगे, अगर उसमें कोई एक सिंबल ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो बेरा गरक हो गया, ये क्वेश्चन भी गया, टाइम भी गया। और आप सोच लीजिए कि कितना टाइम लगेगा अगर आप इस तरीके से करने जाएंगे। तो नो डाउट जो आप स्विच करने वाला मेथड होता है वो इस तरह के क्वेश्चन में आपके काम आ जाएगा, बट इस तरह का जो आजकल मेंस में पूछा जा रहा है 2023 का पेपर है तो उसमें आपको काफी सारा टाइम लगेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्विच आवर मेथड। जो मेरे पहले से बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए रिविजन सेशन की तरह है, बट इफ यू आर ए न्यू कमर और मान लीजिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो तब भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मेथड समझ आ जाए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम नया चीज है। आपको जो चीज आती है जो प्रीवियस मेथड है आपका वैसे ही करेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा क्या है टाइम आपका कम लगेगा। वो कैसे लगेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। वहां पे आपको जो भी हमारी वीडियोस वगैरह होती है उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। नाम है रिजॉल्व आज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आया है आपके पास, देखो कोड वगैरह दिया गया है ना, और स्टेटमेंट है एंड देन कंक्लूजन है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मेक अ मैजिक बॉक्स। तो ये मैजिक बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान रखेंगे एक बार अगर मैजिक बॉक्स आपने बना लिया है सीख लिया ना तो हर बार वैसे ही बनाना है। क्या करना होगा कि यहाँ पे ग्रेटर लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू, यहाँ लेस और यहाँ लेस देन इक्वल टू। ध्यान से देखो क्या बोला, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां इक्वल टू, नीचे लेस और लेस देन इक्वल टू। ये कैसे याद रहेगा कि हम ऊपर में क्या लिखने वाले हैं, तो देखो ऊपर में मैं क्या करता हूं ना, हमेशा लेफ्ट से राइट मूवमेंट की तरफ चलता हूं। ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट मूवमेंट के लिए कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, तो यू नो कि सर ग्रेटर का सिंबल यूज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, और इक्वल टू तो क्या है दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। सिमिलरली जो नीचे के 3 है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब मेरे को लेफ्ट से राइट चलना है तो ऊपर के 3 सिंबल काम आएंगे, और अगर आपको उल्टा चलना है मान लीजिए, ठीक है, ये नीचे वाले 3 सिंबल को देखिए, ये आपको किस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके चल रहे हैं, है ना। जैसे लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया और इक्वल टू हो गया, तो इन तीनों को एक कैटेगरी में हम लोग सोचेंगे कि अगर मुझे राइट से लेफ्ट चलना है तो यू कैन यूज दिस सिंबल, एंड ऊपर वाला अगर आपको लेफ्ट से राइट चलना है तो यू विल यूज द अपवर्ड के जो 3 सिंबल है वो वाले, समझ गए। तो मैजिक बॉक्स में आपने सिंबल अरेंज कर लिया, किस तरीके से अरेंज करना है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इनइक्वालिटी में एक चीज आती है प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे हमने कहा कि अगर मुझे लेफ्ट से राइट चलना है तो ये तीनों सिंबल आएंगे, ठीक है, इन तीनों सिंबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इसकी होती है सबसे 1, इसकी 2 होती है और इसकी तीसरी प्रायोरिटी होती है। कि अगर तीनों आपको साथ में दिखे तो आंसर पहला ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये दोनों दिखता है तब भी यही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये दोनों दिखे 2 और 3 दिखे तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। प्रायोरिटी मतलब कि ओवरऑल फाइनल आंसर आपका किसका आएगा, कौन सा सिंबल यूज होगा। अगर तीनों आ गए तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर की है तो आपका आंसर ओवरऑल क्या होगा, ग्रेटर में आएगा। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है तो उसमें प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। ऐसे सिमिलरली आपका राइट से लेफ्ट वाले में भी वही होता है कि इन तीनों में अगर प्रायोरिटी देखें तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसकी सेकंड नंबर पे और इसकी तीसरे नंबर पे। ये मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को पता होगा, बेसिक सा है ये आपका। अब आ जाइए मेंस वाले पर्सपेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो जो भी आपका लेफ्ट से राइट मूवमेंट है या राइट से लेफ्ट मूवमेंट है दैट कैन बी स्विच्ड, स्विच मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि देखो ए ग्रेटर देन बी लिखा मैंने और ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिखा, इससे अगर आप मैं ए से सी जाना चाहता हूं तो जा सकता हूं, है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है,
तो सिंबल्स जो यूज हुए वो कौन कौन से यूज हुए हैं, ये वाले और ये वाले। देखो आप ए से सी मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि ए से बी भी जा सकते हैं, बी से सी भी जा सकते हैं, क्योंकि एरो जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मूवमेंट पॉसिबल है। सेम इसी चीज को हम पढ़ेंगे कैसे, देखो ए ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा है तो बी छोटा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सिमिलरली बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, बी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, मतलब सी जो है वो छोटा है, ये समझ सकते हैं, अच्छा, या इक्वल है। तो इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके लिखूं, देखो कैसे लिख रहा हूं, सी लिख रहा हूं आगे, ठीक है, फिर बी लिखा और ए लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया। आप देखो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, अभी भी आप ए से सी जा सकते हो, और पढ़ेंगे कैसे, ए से बी को कैसे पढ़ोगे, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पे भी वही चीज थी, लेकिन वो डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट से राइट था, अब क्या हो गया है, राइट से लेफ्ट हो गया है। क्या ये ब्यूटी समझ आई आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट वाली मूवमेंट को राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। बस क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे देखो यहां पे ए और बी के बीच में ग्रेटर की तरह लग रहा था, यहां क्या लग रहा है, लेस की तरह लग रहा है, ठीक है, यहां पे बी से सी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है, यहां पे लेस देन इक्वल टू लग रहा है, तो बस सिंबल जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। कैसे इंटरचेंज होता है, तो देखो आपने ये चीज नोटिस करी कि जो ग्रेटर था आपका वो क्या बन गया, लेस देन बन गया, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू बन गया। तो इस तरीके से चेंज होता है कि अगर आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना है तो बस ऑपोजिट वाला जो है ना उसको आप इंटरचेंज कर दो, अगर ग्रेटर था तो वो क्या बन जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू था तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन था तो ग्रेटर देन बन जाएगा, और इक्वल टू का ऑपोजिट क्या होता है, इक्वल टू ही होता है ना। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि C इक्वल टू D है तो यहां पे भी आपको इक्वल टू ही लिखे लगेगा, कोई अलग सा सिंबल नहीं आता है, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको मैजिक बॉक्स के रिस्पेक्ट में याद रखना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बस मैजिक बॉक्स आपको बता दिया जाता है, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों होता है ऐसा, ये अगर क्लियर होगा तो फिर क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। सिंस हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं, अपने आप ही चेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो वी विल सेलेक्ट वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन को मान लेंगे, और अगर कोई उल्टा डायरेक्शन आता है, कोई दूसरा डायरेक्शन आता है, तो हमें पता है कि कैसे चेंज करना है, उसको हम अपने एज्यूम्ड वाले डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारा राइट इस डायरेक्शन में होता है, हमारा लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो हमें लेफ्ट टू राइट जाने में ना हमें पता रहता है कि ये वाले राइट है, ये लेफ्ट है, तो हम जनरली क्या करेंगे मूवमेंट में, वी विल प्रेफर कि लेफ्ट से राइट ही चलें, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट मुझे अच्छे से क्लियर होता है। राइट से लेफ्ट में क्या होगा, उल्टा थोड़ा देखना पड़ता है, साउथ फेसिंग जैसा हो गया ना वो, इसीलिए हम उसको नहीं प्रेफर करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ट्राई करेंगे कि लेफ्ट से राइट ही चले, और अगर कहीं पे भी मुझे उल्टा जाना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, पता है आपको कि ऊपर वाला सिंबल जो है नीचे वाला सिंबल बन जाता है, ऊपर वाला ग्रेटर देन जो है वो नीचे वाला ग्रेटर लेस देन के इक्वल बन जाता है, इस तरीके से, समझ गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, जो भी ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या बनाना था, मैजिक बॉक्स बनाना था, बना लेंगे, अंदर इक्वल टू, यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लेस और यहां लेस देन इक्वल टू। अब देखो उसने क्या किया है, अलग अलग यहां पे सिंबल यूज कर दिया कि पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है कि पी इज नीदर लेस नॉर इक्वल, ना लेस है ना इक्वल है, अगर कोई चीज छोटी भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो ग्रेटर होगी, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, एट द रेट लिख दोगे, समझ गए। एक बार ही आपको बनाना पड़ेगा मैजिक बॉक्स अगर सेम डायरेक्शन है सबका। उसके बाद आ जाओ हैश में, क्या दिया हुआ है कि नीदर ग्रेटर, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो अगर कोई चीज ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो क्या होगा, लेस देन होगा, तो आप यहां पे क्या यूज कर लोगे, हैश यूज कर लोगे। फिर डॉलर में क्या बोला है, नीदर लेस नॉर ग्रेटर, लेस भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है, मतलब इक्वल टू होगा, तो ये डॉलर हो गया। देन एम्परसेंट है, इसका मतलब ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं होने का मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल टू है, तो दिस इज एम्परसेंट, एंड फाइनली एक बच गया तो वो यही होगा, तो ये हमने लिख दिया, समझ गया मैजिक बॉक्स कैसे बनाना है आपको, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसमें ना सिंबल्स का अलग लाइक कलर यूज कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे, एल्स येलो येलो में पता नहीं चलेगा, ये लग दिया, समझ गए। अब आई होप मैं अपने ऊपर नहीं लिख रहा हूं कहीं पे, यस, सो यहां तक आई होप सभी लोग मेरे साथ चल रहे होंगे, है ना। हमें पता है कि अगर आपको लेफ्ट से राइट चलना है तो क्या करना होगा, एट द रेट, जैसे लेफ्ट से राइट अगर चलना है, और ये चल रहे थे हम लोग, हमने बोला कि मैं हमेशा इसी डायरेक्शन में चलूंगा, कहीं अगर उल्टा आ गया, मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना पड़ गया आपको, ठीक है, तो क्या करोगे, एट द रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैश में कन्वर्ट हो जाएगा, हैश जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एट द रेट में, अगर आपको स्विच करना है एक डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में जाना है तो इस तरीके से स्विच होगा, बस एक बार रिवाइज करवा दिया। अब आ जाओ देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपके पास फिर कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन पे आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले एन से डब्ल्यू चलना है,
ठीक है, आपको सोचना नहीं है कि एन से आगे डब्ल्यू चलना है या डब्ल्यू से एन चलना है, हमेशा क्या करेंगे, क्योंकि हमने मान रखा है कि लेफ्ट से राइट ही चलना है मुझे, लेफ्ट से राइट ही चलना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि मुझे कहां से कहां चलना है, एन से डब्ल्यू चलना है, एन से डब्ल्यू की तरफ चलना है। तो आ जाओ देखो, एन ये रहा, ठीक है, डब्ल्यू कहां है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिखता है, एक्स दिखता है कि एन से एक्स चले जाओ और फिर एक्स से डब्ल्यू चले जाओ, क्या कहते हो, समझ गए। तो इस तरीके से मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ देखो, हमने क्या बोला है कि लेफ्ट से राइट ही चलना है सर मुझे, तो ये वाले पोजीशन से देखो, एक्स से जब मैं डब्ल्यू चलूंगा तब तो लेफ्ट से राइट ही चल रहा हूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां पहली बार जब स्टार्ट कर रहा हूं, एन से जब मैं एक्स तक जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, मुझे राइट से लेफ्ट जाना पड़ रहा है, उल्टा जाना पड़ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, बस सिंबल को इंटरचेंज कर दो, क्या क्या सिंबल आ रहा है, हैश आ रहा है, हैश के लिए क्या यूज करोगे, एट द रेट, तो हैश की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, एट द रेट, बस आप सिंबल लिखते जाओ, देखो ध्यान से समझना। फिर एम्परसेंट है, एम्परसेंट को भी आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, कॉमा डाल के परसेंटेज में डाल दिया मैंने, ठीक है। और क्या दोनों सिंबल तक हम पहुंच चुके हैं, एक्स तक पहुंच चुके हैं, हाँ सारे सिंबल यूज कर लिए, कन्वर्ट भी कर लिया, हाँ कर लिया। अब आ जाओ यहां पे, परसेंटेज परसेंटेज ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इस बार मुझे चेंज नहीं करना, इस बार मैं लेफ्ट से राइट ही चल रहा हूं, तो परसेंटेज को परसेंटेज ही रहने देंगे, ठीक है, डॉलर डॉलर ही रहेगा और एट द रेट ही रहेगा। मतलब ये सारे सिंबल्स का ओवरऑल आंसर आपको निकालना है, वही क्या होगा, एन और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए, समझ गए ना कि कैसे करना है। पहले आपने मूवमेंट देखा, फिर देखा कि कौन सा मेरे अज्यूम्ड डायरेक्शन से उल्टा है, तो ये उल्टा नहीं था, ये जैसा मुझे चलना है वैसे ही चलने वाला है, ये उल्टा था, तो जो भी उल्टा होगा उसके सिंबल को आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, तो ऑपोजिट वाले आप ले लेंगे, समझ गए। अब देखो, ऊपर एट द रेट है, ये रहा, परसेंटेज ये रहा, और फिर से डॉलर है, डॉलर ये रहा, मतलब ये ऊपर वाले तीन ही सिंबल है, देखो एट द रेट, परसेंटेज परसेंटेज, डॉलर, एट द रेट, यही तीन सिंबल आ रहे हैं ना, ऊपर के ही तीन सिंबल आ रहे हैं, उन ऊपर के तीन सिंबल में कौन जीतता है, अगर तीनों आ जाते हैं तो एट द रेट जीतता है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर की सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी होती है। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, एट द रेट में एंड होना चाहिए, आप मैच कर लो कि क्या एट द रेट है, हाँ हो गया, ये करेक्ट हो गया, समझ गए। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको बहुत टाइम लग रहा है, जब आप ये सीख जाओगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आ जाओ देखो, सेकंड वाला करते हैं, टी से डब्ल्यू चलना है, सॉरी टी से वाई चलना है आपको, तो मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं, देखो टी से वाई कैसे चलोगे, ये रहा टी आपका और ये रहा वाई, ठीक है, टी से एक्स चले जाते हैं, ठीक है, और एक्स से वाई चले जाएंगे। तो इस बार सर दोनों जगह पे आपको क्या चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है, राइट से लेफ्ट चलना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, सभी का सिंबल डॉलर आ रहा है, डॉलर का तो डॉलर ही रहता है, परसेंटेज का क्या हो जाएगा, एम्परसेंट हो जाएगा, और हैश का क्या हो जाएगा, हैश का एट द रेट हो जाएगा, कर दिया हमने। अब इन तीनों में देखो कि एक क्या है, डॉलर है, एक एम्परसेंट है नीचे है, और एक एट द रेट ऊपर है, तो ऊपर और नीचे से तो ट्रेवल हो ही नहीं सकता ना, ट्रेवल कैसे होगा, या तो ये ऊपर के तीन सिंबल मिल जाए या नीचे के तीन सिंबल मिल जाए तभी ट्रैवल हो सकता है। अगर कोई ऊपर वाला मिल जाए, कोई नीचे वाला मिल जाए, तो डायरेक्शन आपका होगा ही नहीं, नहीं जा पाओगे, इसका मतलब ये गलत है, इसमें आपका डायरेक्शन मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट नहीं पॉसिबल है तो आप ओवरऑल आंसर कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, समझ गए। अगर ये क्लियर है तो एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। अब आइए वेरीफाई कर लेते हैं, कहां से कहां चलना है, Z से R चलना है, तो Z से क्या करते हैं, R कहां पे है, ये रहा Z है और ये रहा, तो Z से X चला जाता हूं मैं, उल्टा चलना पड़ रहा है, तो एम्परसेंट की जगह क्या लिख देंगे, परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख दिया मैंने, और फिर X तक पहुंचा, X से मुझे R तक ही चलना पड़ेगा, तो वो तो सेम ही डायरेक्शन है, तो परसेंटेज ही, परसेंटेज और परसेंटेज, अगर दो बार परसेंटेज आ जाएगा तो कौन जीतेगा, परसेंटेज ही जीतेगा, देखो परसेंटेज है, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा यहां पे, बोथ 1 and 3, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ गए। तो ये तो आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप एग्जाम में जो आया उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे ये एग्जाम में आया था आपका, इसको देखो, बस आपको क्या करना है कि एक बार ये बॉक्स बना लेना है, उसके बाद निश्चिंत होकर सारे क्वेश्चन को कर लेना है। आ जाओ देखो क्या बोला जा रहा है, पहले यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेट मी राइट दी कोड्स विथ अनदर पेन। हैश का मतलब क्या है कि ना ही ग्रेटर होगा ना इक्वल होगा, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब लेस है, तो यहाँ पे हैश लिख दिया हमने। फिर नीदर इक्वल नॉर स्मॉलर, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, मतलब ग्रेटर है, तो कॉपीराइट का सिंबल डाल दिया। देन परसेंटेज, स्मॉलर ग्रेटर नहीं है तो ये परसेंटेज हो गया, स्मॉलर नहीं है, ठीक है, नहीं ना स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर देन होगा, तो डॉलर यहाँ डाल दिया, और ग्रेटर नहीं है इसका मतलब लेस देन इक्वल टू होगा, तो एट द रेट यहाँ, समझ गए। ये सबसे पहले कर लेंगे, अब आ जाओ देखो एक एक करके
कंक्लूजन को पकड़ते हैं। कोई एक कंक्लूजन पकड़ लो, ए से बी चलना है मुझे, और बीच में क्या आना चाहिए, एट द रेट, मतलब फाइनल आंसर एट द रेट आना चाहिए। देखो आ जाओ, ए ये रहा, ठीक है, बी कहां पे है, ये रहा, ए से बी ऐसे चलना पड़ेगा। तो मैं जिस डायरेक्शन में चलना चाहता था, लेफ्ट से राइट ही चलना चाहता था, ठीक है, तो मुझे इस बार कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ रहा, ए से बी चलना पड़ रहा है। अब आपको जैसे मैंने अभी आपको समझाने के लिए क्या किया, लिख लिख के बताया, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो एट द रेट है, एट द रेट कहां पे है, नीचे है, ठीक है, डॉलर है, डॉलर ऊपर है, ऊपर और नीचे आ गया, इसका मतलब ये मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगा, हटा दो इसको, है ना, क्योंकि पहला वाला गलत हो रहा है इस स्टेटमेंट के हेल्प से, तो ये हट गया। आ जाओ यहाँ पे, इसमें भी कहा है ए ये रहा, ठीक है, बी ये रहा, यहां से यहां चलना है मुझे, इसी में फिर से आ जाओ, चेक करो, एट द रेट है, एट द रेट है, नीचे ही है, परसेंटेज है, और बस, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एट द रेट और परसेंटेज, ये आ रहा है, एट द रेट दो बार और परसेंटेज, मतलब नीचे के दो सिंबल आ रहे हैं, इन दोनों सिंबल में किसकी प्रायोरिटी होती है, इसकी, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। हाँ सर, एट द रेट तो है, तो यहीं पे आप कंफर्म नहीं कर दोगे कि यही आंसर हो गया, आपको दूसरी जगह भी चेक करना है ना, दूसरा भी है, एक्स से वाई चेक करो, आ जाओ, एक्स ये रहा, ठीक है, वाई ये रहा, यहां से यहां चेक करना है, आ जाओ चेक करो, एम्परसेंट है, सॉरी एट द रेट है और डॉलर है, देखो एट द रेट नीचे है, डॉलर ऊपर है, तो सेकंड वाला गलत हो गया, इसमें इसको हटा देंगे हम, समझ गए। तो इसमें ना सिंबल चेंज करने से आप इतना जल्दी कर सकते हो इसको, तो ये ध्यान रखना है। आ जाओ तीसरे वाले को देखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, देखो तीसरे वाले में क्या है आपके पास, ए से बी कहां पे है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, उल्टा चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो डॉलर है तो डॉलर की जगह पे क्या आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, परसेंटेज, दोनों जगह परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज ही यूज करते हैं, तो एट द रेट और परसेंटेज में कौन जीतता है, एट द रेट जीतता है, तो एट द रेट दिया हुआ है ए और बी के बीच में, तो ये करेक्ट है, पहला इसमें करेक्ट आ गया। सेकंड, एक्स से वाई, एक्स ये रहा, ठीक है, वाई ये रहा, मतलब एक्स से वाई यहां तक चलना पड़ेगा, कौन कौन से सिंबल है, परसेंटेज है, ठीक है, डॉलर है, परसेंटेज डॉलर, ठीक है, फिर से डॉलर, परसेंटेज, मतलब यही दोनों सिंबल है, इन दोनों सिंबल में कौन जीतेगा, डॉलर जीतेगा, तो सेकंड वाला भी आपका हो गया करेक्ट, क्योंकि डॉलर है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, मुझे बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है, समझे कि नहीं। तो दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व फोरियर इनइक्वालिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, चेक करते रहना है कि कौन सा डायरेक्शन आपने चूज किया है, मैंने लेफ्ट टू राइट किया, ये सिंपल रहता है हमें, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, जैसे ही उल्टा डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर लेंगे, समझ गए। अब आता है कि सर इधर और वाले क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाओ देखो इधर और में समझते हैं, इधर और में क्या करना है कि पहले मैं इस बॉक्स को बना लेता हूं, देखो ठीक है, इधर और के लिए कुछ एक्स्ट्रा, बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, फिर काम हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज तो पता है कि इधर और में क्या होता है कि दोनों में सेम सिंबल होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, है ना, क्या क्या था, सेम सिंबल लिख देता हूं रिविजन के लिए, फिर नंबर टू बोथ कंक्लूजन इनकरेक्ट, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर भी इसको मिस कर देते हैं, स्टूडेंट तो मिस करते ही हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कि जैसे अगर ए एट द रेट बी दिया हुआ है और ये गलत है, तो दूसरे में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप चेक करोगे, मतलब ये गलत होने के लिए उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जब आप लास्ट में इधर और चेक करें ना, तो सभी को सेम कर लो कि ए अपनी जगह पे है, सब जगह ए सेम जगह पे है, बी सेकंड में है, अगर बी पहले लिया है तो दोनों में बी पहले लो और ए को बाद में लो, ऐसे, ठीक है, ऑर्डर सेम रखना है आपको, अगर नहीं रखेंगे तो बहुत गलतियां होती हैं, और यही स्मॉल स्मॉल एरर्स जो है आप ध्यान नहीं देते हैं एग्जाम में, फिर आपका सिलेक्शन में ना क्या होता है, सोचते तो रहते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले थे बट निगेटिव हो जाता है, तो ये ऑर्डर सेम भी रखना है आपको। अच्छा, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये चीज आपने चेक कर ली कि सर देखो सिंबल आपको सेम सेम दिख रहा है इस बार, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें इधर और लग जाए, बस क्या चेक करना है कि कंक्लूजन आपका सही है या गलत है, तो एक बार आ जाओ कंक्लूजन को चेक करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, एट द रेट मतलब ना लेस है ना इक्वल है, ना लेस है ना इक्वल है, मतलब एट द रेट यहां आ गया, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो ये आ गया हैश, ठीक है, यहाँ डॉलर आ गया, देन p इज नॉट ग्रेटर, ग्रेटर देन नहीं है, तो ये एम्परसेंट आ गया और ये परसेंटेज आ गया, ठीक है, ये तो बना लिया हमने। अब आ जाओ देखो g से h चलना है आपको, ठीक है, g ये रहा और h ये रहा, तो g से यहां चलना पड़ेगा उल्टा, तो एम्परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, और यहां पे भी परसेंटेज ही है, तो परसेंटेज और परसेंटेज में कौन जीतेगा, परसेंटेज जीतेगा, होना क्या चाहिए था, जी और एच के बीच में परसेंटेज होना चाहिए था, यहां डॉलर है, यहां पे भी एट द रेट है, दोनों इंडिविजुअली गलत हो गए, इसका मतलब जो हमने कंडीशन यहां पे मेंशन करी थी, पहला कंडीशन भी हमारा फॉलो कर रहा है कि दोनों में सेम सिंबल है, दोनों के कंक्लूजन भी गलत हो चुके हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअली दोनों गलत है, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, मतलब एक रिलेशन निकल रहा है दोस्तों,
रिलेशन निकल रहा था जी और एच के बीच में क्या होना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना। तो रिलेशन इज स्टैब्लिश्ड हियर, रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा था इसलिए क्या हो गया, दोनों तो कंक्लूजन गलत हो गया। फिर हमने ऑर्डर को भी चेक कर लिया, ऑर्डर भी मेरा सही दिख रहा है, ठीक है। अगर ऑर्डर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक में ऐसा दिया होता, एक में दिया होता ये और एक में मान लो आपको एम परसेंट और ऐसे दिया होता एच आगे और जी यहां पे, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे पता है, हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, उल्टा करना पड़ रहा है ना मुझे, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा जी एच जो है ना ये परसेंटेज बन जाएगा, समझे। बस इस चीज को ध्यान रख लेना है आपको, क्लियर। क्योंकि देखो एच अगर एक्चुअल में देखना है, कि कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूं कि क्यों होता है ऐसा। देखो एच एम परसेंट दिया था, एम परसेंट का मतलब एच इज लेस देन इक्वल टू जी दिया होता, तो इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू एच का सिंबल क्या है, परसेंटेज है, तो ये बन जाता है, ठीक है। तो अगर उल्टा दिया है तो आप लास्ट में चेंज जरूर कर लेना, उसके बाद आपको मैं एक चीज बता रहा हूं अब ध्यान रखना है, अब मेरी बात को ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा और ये बेसिक में आप प्री में भी चेक करते हो इधर और में, समझ गए कि दोनों में सेम सिंबल, दोनों के कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद ऑर्डर सेम होने के बाद ना दो चीजें होती थी, या तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता था दोनों वेरिएबल के बीच में जैसे हो रहा है हमारे केस में, या नहीं होता था। अगर हो जाए, हो जाता है, अगर हो जाता है तो देखो आपके क्या आंसर होंगे बताए, कि ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके या ये दोनों मिलके, ऐसे आपको आंसर मिलेंगे ऑप्शन में, समझ रहे हो क्या बोला मैंने। जब आप ये सारी चीजें चेक कर लोगे और रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है आपका, जैसे हमारे पास हो रहा था, क्या आंसर आना चाहिए था, परसेंटेज आना चाहिए था, हो रहा था ना, तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे डॉलर और ये जो एट द रेट दिया हुआ है, ठीक है, इस डॉलर और एट द रेट को अगर मैं यूज करता हूं दोनों को कंबाइन करके क्या मुझे ये मिलता है, ठीक है, ये बस आपको चेक करना है। तो डॉलर कहां पे है, देखो ये रहा डॉलर, ठीक है, एट द रेट क्या है, ये रहा एट द रेट, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो ये ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो ग्रेटर और इक्वल को मिला दोगे तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाएगा, हाँ, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये इक्वल है, दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, और वो किसके इक्वल है, परसेंटेज के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इधर और हो गया, ठीक है। ऐसा कब आपको मिक्स करके चेक करना है, जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, समझ गए। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बनाया कि देखो जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश वाली बात होगी ना, तो आपको ये देखना है कि चाहे ये दोनों आपको सिंबल साथ में मिल जाए, जैसे एट द रेट और डॉलर है ना, तो ये क्या डायगोनल वाले मिल रहा है ना, सेंटर और आपका वर्टेक्स मिल रहा है, इधर का भी मिल सकता था, ठीक है, क्वेश्चन अलग आएगा, फिर इधर का भी मिल सकता था और इधर का भी मिल सकता था, तो चार तरीके से हो सकता है, ठीक है, एक फ्लावर पिटल की तरह लग रहा है ना इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो हम ये सारे कंडीशन चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल चेक ये दोनों सिंबल जो है वो आपके एक सेंटर का और एक वर्टेक्स का है क्या, अगर है तो डायरेक्टली इधर और मार्क कर लेंगे, समझ गए। और अगर आपको चेक करने का मन हुआ तो चेक कर सकते हो कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा था वो आ रहा है, अगर यस तो वही आपका आंसर हो गया, समझ गए। अच्छा, तो सर अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होगा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं आ जाए तब देखो क्या करना पड़ेगा, सेम वही करते हैं हम लोग, आ जाओ पहले इसको बना लेता हूं मैं, ये लिया हमने, नॉट लेस, लेस नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो दिस इज एट द रेट दिस टाइम, नॉट मोर, मोर नहीं है इसका मतलब लेस देन इक्वल टू होगा, तो डॉलर हो गया ये, नीदर लेस नॉर मोर तो ये आपका हैश हो गया, नीदर मोर नॉर इक्वल, ना ज्यादा है ना इक्वल है, मतलब लेस है, तो ये स्टार हो गया, परसेंटेज में फिर क्या है, ये परसेंटेज हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये बस आपको गलती इसमें मत नहीं कर लेना, ठीक है, ये सब आप सही कर रहे हो, पता चला ये टेबल ही गलत बना लिया, इसमें थोड़ा टाइम लगा के टेबल सही बनाना, कि जैसे नॉट लेस का मतलब क्या है, कि लेस नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, इसलिए एट द रेट लिख दिया है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज वो क्वेश्चन देखो, डी से आर चेक करना है मुझे, तो डी कहाँ पे है, ये रहा, आर कहाँ पे है, ये रहा, डी से आर चलना था, ठीक है, देखो क्या क्या चीज दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है और एट द रेट दिया हुआ है, तो डॉलर कहाँ पे है, नीचे है, एट द रेट ऊपर है, ऊपर और नीचे से रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब क्या आंसर आ रहा है, नो रिलेशन, नो रिलेशन मतलब ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, दोनों में सेम सिंबल भी दिख गया, पहला कंडीशन भी मैच कर गया दोनों में सेम सिंबल, सेकंड कंडीशन क्या था, कि दोनों आपके कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होंगे, वो भी हो गया, दोनों का ऑर्डर भी सेम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो स्टार और एट द रेट, देखो ध्यान से, जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा था तो मैंने क्या बोला कि एक आपका वर्टेक्स वाला होना चाहिए और एक सेंटर वाला होना चाहिए, इन दोनों को मिलके, ठीक है,
या इन दोनों को मिलके, या इन दोनों को मिलके, या इन दोनों को मिलके होना चाहिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हुआ तो क्या करना है, डायगनल ले लेना है। ठीक है, डायगनल ले लेना है। डायगनल का मतलब कौन कौन सा, ये वाला और इन दोनों को मिला के डायगनल बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इन दोनों को मिलकर डायगनल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। तो आप देखो स्टार और एट द रेट है, स्टार कहां पे है, ये रहा, और एट द रेट ये रहा, क्या ये दोनों डायगनल एलिमेंट है, हाँ है। नो रिलेशन के केस में डायगनल एलिमेंट होना चाहिए, अगर मिल जाता है आपको तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर और हो जाएगा। बस ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपको क्लियर ना हो, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस मोर, यू विल फाइंड इट वेरी मच इजियर। ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको इतना ही करने से होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने तो बता दिया कुछ क्वेश्चन की हेल्प से, सो आई हैव गिवन सर्टेन मोर क्वेश्चंस यहाँ पे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 2023 पेपर में आए हुए हैं, इन सब का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये एक है क्वेश्चन, ये भी सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, खत्म। तो ये आठ क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपका आंसर जो है सटीक आए, और आपने अगर कुछ गलती भी करी होगी तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट करके आप लोगों को सही आंसर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड सेलेक्शन लेके आइए।